कोरोना वायरस को लेकर मेखलीगंज प्रखंड के भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में स्थित चेंगराबांदा इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के डर से यहां पर्यटकों की उपस्थिति लगभग ना के बराबर है। पता चला है कि शुक्रवार शाम से पूरे देश में विदेश से सटे सीमा को बंद कर दिया गया है, जिससे पर्यटक भारत में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जो विदेश गए हुए हैं वह सिर्फ लौट सकते हैं, लेकिन इस रोकथाम के बीच आयात निर्यात पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगी है। स्थानीय निवासी प्रीतम दे ने बताया कि शुक्रवार से ही पर्यटकों का आना काफी कम हो गया है। यहाँ सिर्फ आयात निर्यात करने वाले वाहन चालक एवं दुकानदारों को ही देखा जा सकता है। वहीं इस घटना से स्थानीय व्यवसायियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखो नहीं तो जिस समस्या बुझाचे चारिदिके समस्या ये हलो कोरोना भाइरस आतंक आतंकर जन परिस्थिति एन कल के सन्दा पाँचा अब्दी हमारे एंट्री परमिशन छो बांग्लादेशे तपर थे एंट्री हा जरा बांग्लादेशी लोक एंट्री हो इंडिया तारा एक्जिट हो जरा इंडियन पासपोर्ट जरा बांग्लादेशे एंट्री दिए तारा एक्जिट हो मैंने दूदेश एक्जिटे काज चलते ताछाड़ा आदर्श तो लोक जन नहीं परिस्थिति खूब ही खराब भाइरस आतंके परिवेश अपने सब ही बुझे सब ही देखें चारिदिगे मानुष जन एकदम नहीं না বললেই চলে মানে নতুন করে কি কোনো পর্যটক যাওয়া আসা করতেছে এখান দিয়ে না নতুন করে তো কোনো কিছু এখনো অর্ডার আসেনি আর যাচ্ছেও না আমরাও দেখছি সে যাচ্ছে না পরিবেশের অবস্থা একদমই খারাপ ব্যবসা মানে যে ক্ষেত্রে কি বলবেন ব্যবসা মানে যে ক্ষেত্রে দেখছেনই তো একদম সব হাহাকার কোনো কিছুই নেই সব যেটা পয়েন্ট ছিল জিরো পয়েন্টে যারা মানে এক্সচেঞ্জ কাউন্টার তারা সব দোকান বন্ধ করে সব চলে যাচ্ছে লোক নেই লোক না হলে কীভাবে চলবে